हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है मैं आपके सामने एक ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ, और ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जस्ट मुझे एक ऐप मिला है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि इस ऐप के बारे में आप भी जानें। और अगर ये ऐप रियली में आपको भी अगर अच्छा लगता है और आपका किसी काम का है, तो इस ऐप को जो है मेरे डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूँ, और जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इफेक्टम ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैं जो है आपको दे दूंगा। तो चलिए उस ऐप को जो है हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे कि मैंने इफेक्टम जो है ओपन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि आप अपने वीडियो के साथ जो है फास्ट वाला इफेक्ट कर सकते हैं, स्लो इफेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप मोशन जो है वो कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक जैसी वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि इस ऐप के जो सारे चीज़ों को जो है मैंने टेस्ट किया है। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ऐप है, मुझे बहुत मतलब पसंद आया। और इसमें जो भी सिस्टम है, जैसे कि हम अगर फास्ट में क्लिक करते हैं तो कोई भी हम अपने वीडियो को ले लेंगे, और यहाँ फास्ट इफेक्ट वगैरह जो है हम दे सकते हैं। तो चलिए कोई वीडियो मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने एक वीडियो जो है ले लिया है, इसको प्ले करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह का जो है हमारा वीडियो है, और इसको चलिए हम यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं। तो हम अपना वीडियो क्लिप काफ़ी लंबा है, तो इसको हम ट्रिम कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है अपना वीडियो को ट्रिम कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और हमारा जो है यहाँ इफेक्ट रेडी है। हमको जो है यहाँ स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, हम चाहें तो यहाँ से अपने वीडियो का स्पीड जो है कम बेसी कर सकते हैं। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अगर ये हम इसको अगर जीरो करें तो ये नॉर्मल जो हमारा वीडियो का स्पीड है कुछ इस तरह था, क्योंकि इस वीडियो को मैंने स्लो मोशन में ही रखा था, किया हुआ था, तो ये स्लो मोशन है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको जो है फुल कर देंगे, तो अब देखिए कैसा आएगा, तो इसका स्पीड जो है बढ़ गया है। तो इस तरह से जो है हम ईजिली अपने वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दोस्तों इसके बाद में स्लो मोशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी तरह जो है आप अपने वीडियो का कोई भी वीडियो आप ले लीजिए, और जो है उसको आप स्लो मोशन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल स्पीड वाला वीडियो है, यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है हम अगर इसको बढ़ाएंगे तो हमारा वीडियो उतना ही ज़्यादा स्लो होगा, स्लो इफेक्ट जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम अपने वीडियो को स्लो कर सकते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है इस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है, और आप जो है इस तरह से स्लो मोशन इफेक्ट भी जो है आप दे सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से जो है यहाँ फ़िल्टर, बहुत सारे आपको फ़िल्टर के ऑप्शन मिलेंगे, तो आप अपने वीडियो पे बहुत सारा जो फ़िल्टर है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा फ़िल्टर आपको जो है यहाँ मिल जाएगा। आप वीडियो में फ्रेम लगाना चाहते हैं तो फ्रेम भी आपको बहुत सारा फ्रेम जो है आपको इस तरह का फ्रेम जो है देख सकते हैं, बहुत ही कूल लुकिंग फ्रेम है, ये सारा फ्रेम जो है आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको जो है स्माइली भी मिल जाएगा, बहुत सारे आपको जो है यहाँ स्माइली जो है मिल जाएंगे, और यहाँ से जो है आपको टेक्स्ट वगैरह भी जो है आप लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ टेक्स्ट का कलर वगैरह जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो स्टॉप मोशन जो है इफेक्ट आप बना सकते हैं। तो इसके बाद चौथे नंबर पर जो है आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप किसी भी वीडियो को जो है रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वीडियो क्लिक है, ठीक है, और हमको इसको रिवर्स करना है, तो चलिए पहले तो मैं वीडियो क्लिप को ट्रिम कर देता हूँ, और यहाँ से नेक्स्ट दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ से जो प्रोसेसिंग चालू है और हमारा वीडियो जो है रिवर्स में बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है रिवर्स में भी बन गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो है फास्ट एंड स्लो एंड फास्ट। तो जैसे कि मैंने ये क्लिप ले लिया है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको देखिए स्लो एंड फास्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए आप अगर स्लो को प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ से देखिए ग्रीन मार्क आते जा रहा है, तो यानी कि यहाँ तक जो है हमारा वीडियो स्लो है, और उसके बाद में हम अगर फास्ट पर क्लिक करें तो यहाँ से रेड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो है हमारा वीडियो फास्ट है। यहाँ से फिर स्लो लगा देते हैं, फिर जो है फास्ट लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन वीडियो जो है बना सकते हैं। और चलिए हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसा बना है। तो यहाँ से देखिए ये स्लो बना है हमारा वीडियो, और जैसे ही रेड लाइन में आएगा हमारा वीडियो जो है फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से जो है फास्ट हो गया, फिर हो गया स्लो,
ये स्लो मोशन, फिर फास्ट मोशन। तो इस तरह से दोस्तों इस वाले ऑप्शन में जो है आप स्लो एंड फास्ट मोशन बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये भी प्रोसेसिंग होगा, एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में जो है आपको कलर फिल्टर वगैरह सारा ऑप्शन जो है सेम चीज़ जैसे मैंने बताया था वो सारा ऑप्शन जो है आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप एक ऑप्शन मैंने बताना भूल गया, तो यहाँ पर जो है आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ म्यूज़िक लगाना है तो म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल का ऐप है, आप इसमें अगर फास्ट स्लो मोशन या स्टॉप मोशन, रिवर्स स्लो फास्ट मोशन इस तरह का वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही कमाल का ऐप है, मुझे काफ़ी पसंद आया और इसलिए जो है इस ऐप का रिव्यू जो है मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप या ऐसा कुछ नहीं मिला है, ये जेन्युइन जो है मेरा जो ओपिनियन है वो सारा चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में शेयर किया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।